द्वादश प्रधान भक्तों की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और अजामिल उपाख्यान जो कि श्रीमद् भागवत में आता है। अजामिल उपाख्यान के अनुसार इन 12 प्रधान भक्तों से ही इनमें से एक कोई एक भक्त कृपा कर दें तो ही हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसी श्रृंखला में हमने कल महाराज बलि की कथा का समापन किया। महाराज बलि जैसा महात्यागी महादानी ना हुआ है, ना होने को है और ना हो सकता है। तीनों लोकों को दान में दे दिया उसने, ये जानते हुए कि उनको वो सदा सर्वदा के लिए खो सकता है, दे दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। महाराज बलि की कथा हमें प्रेरित करे अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अर्पित करने के लिए, यही मेरी मंगल कामना है। और आज परमहंस सुखदेव महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने हमारे अधिकतर ग्रंथों का संकलन किया, चारों वेदों का, 18 पुराणों का और भी अन्य अन्य ग्रंथ उन्होंने लिखे, ऐसे महर्षि वेद व्यास के पुत्र परमहंस सुखदेव जन्मते ही वो परमहंस अवस्था को प्राप्त थे, जन्मते ही प्राप्त थे। महाभाग सुखदेव के लिए जो भी कहा जाए कम है, ऐसा उनका चरित्र है। परम पवित्र करने वाला अपने मन को, ऐसा चरित्र जिसका आज हम शुभारंभ करेंगे। इनके चरित्र का स्मरण चिंतन करते हुए अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोक मुझे याद हुए। 8वें अध्याय के ये श्लोक हैं जो आपके सामने भी प्रस्तुत करूंगा। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सुखदेव जी को देखकर ही किसी परमहंस अवस्था के संत को, परमहंस अवस्था के भक्त को देखकर ही ये श्लोक लिखे गए हैं। 8वें अध्याय का, अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न रिष्यति न कुप्यति। अर्थात वही मुक्त है। कौन मुक्त है? कौन परमहंस अवस्था को प्राप्त है? कौन जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त है? जिसका चित्त किसी के लिए सोचता नहीं है, किसी की कामना नहीं करता, ना किसी का परित्याग करता है, ना किसी को ग्रहण करता है, ना किसी पे हर्षित होता है और ना ही किसी पर गुस्सा होता है। जिसके चित्त की ऐसी अवस्था है वही मुक्त है। क्या क्या नहीं करता? ना वांछती, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, ना सोचती, ना किसी के लिए सोच करता है, ना किसी का परित्याग करता है। किसी से यहाँ पे वस्तु, व्यक्ति, इस भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ, प्राणी ले सकते हैं आप, ना किसी का ग्रहण करता है, ना हर्ष को प्राप्त होता है, ना कोप को प्राप्त होता है, ना किसी प्रकार का क्रोध करता है, गुस्सा करता है। आप सोच रहे होंगे ये कोई आदमी है या कोई शिला, कोई पत्थर की शिला है या आदमी। ना हर्ष होता है, ना गुस्सा होता है, ना किसी की आकांक्षा है, ना किसी की सोच है, ना कुछ ग्रहण करता है, ना त्यागता है। ये व्यक्ति जिंदा भी है या मरा हुआ है जिसकी यहाँ परिकल्पना की जा रही है? नहीं। ऐसा महाभाग, ऐसी पुण्यात्मा, ऐसा महात्मा मरा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें भावना नहीं होती, परंतु उनकी ये जो भावना है वो आनंद में रहती है सदा के लिए, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता, आनंद की अवस्था को प्राप्त होते हैं। कौन सा आनंद? सुख की बात नहीं कर रहा,
जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होते हैं उनके साथ तो दुख जुड़े हुए हैं। इसके लिए कहा भगवान ने गीता में, क्या यही संस्पर्शा भोगा, जो स्पर्श है इंद्रियों से जो भोग प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे अभी इंद्रियों के भोगों में रमन की इच्छा हो रही है वो व्यक्ति इस सुखम आत्यंतिकम, इस आत्यंतिक सुख को, इस परम सुख को, कैसा आत्मिक सुख है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, आत्मिक सुख है। और इस सुख को आनंद की संज्ञा दी गई है। आनंद क्यों कहा जाता है, सुखी क्यों नहीं कहा जाता? कहा जाता है, कई बार ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ने को मिल जाता है, जिसे कि सुखम आत्यंतिकम कह दिया गया गीता में भी, परंतु वेदांत की दृष्टि से इसको आनंद ही कहा जाएगा। और जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है उसी को सुख कहा जाता है वेदांत में, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा है। सुख में तो द्वंद्व छुपा है, सुख में क्या है, दुख छुपा हुआ है। आनंद का कोई विपर्य नहीं होता, विपर्य नहीं है आनंद का कोई, आनंद तो केवल आनंद ही है। आनंद के साथ कुछ और छुपा हुआ नहीं है, कोई शत्रु वहां नहीं बैठा है आपकी पीस ऑफ माइंड को हरण करने के लिए, आपकी मानसिक शांति को हरण करने के लिए, वहां तो केवल और केवल आनंद है। नित्यानंदम परम सुखदम, नित्य आनंद और परम सुख, परम सुख कह दिया जाता है। आनंद उचित शब्द है इसके लिए, क्योंकि आनंद का कोई ओपोजिट है नहीं। तो ये व्यक्ति परमहंस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति ना तो किसी की सोच करता है, ना किसी की कामना करता है, ना कुछ ग्रहण करता है, ना परित्याग करता है, ना हर्षित होता है, ना कुपित होता है। इसी आठवें अध्याय का चौथा श्लोक है अष्टावक्र गीता का, यदा नाहम तदा मोक्ष हो, यदा हम बंधनम तदा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा संभव ही कैसे है कि एक व्यक्ति हो, उसको ना कुछ अच्छा लगे ना बुरा लगे, ना कुछ ग्रहण करे ना परित्याग करे। हमारा तो सारा जीवन ग्रहण और प्रत्याग में चला जाता है। सुखदेव जी की ऐसी अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? उसका जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो इस चौथे श्लोक में बता रहे हैं। कहते हैं, जहां पर मैं नहीं हूं, जहां पर अहम नहीं है, वहां मोक्ष है। और जहां पर है अभी तक अहम, जहां पर मैं है, वहां पर बंधन है। तो जो व्यक्ति किसी की यहाँ कामना नहीं करता, किसी का ग्रहण नहीं करता, किसी का परित्याग नहीं करता, कुपित नहीं होता, हर्षित नहीं होता, वो व्यक्ति उसमें अहम है ही नहीं। अहम से अतीत होकर ही उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को परमहंस अवस्था कहा जाता है। सुखदेव उस परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। अहम होगा तो बंधन होगा, अहम नहीं है तो बंधन नहीं होगा। और जब तक अहम होगा तब तक हर्ष भी होगा, शोक भी होगा, ग्रहण भी होगा, त्याग भी होगा। कैसे? मैं ग्रहण करता हूँ, मैं परित्याग करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं साधन करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सब में क्या जुड़ा है? मैं। ये मैं ही तो अहम है। और अगर ये मैं नहीं है तो कौन भोगेगा, कौन त्यागेगा, कौन आकांक्षा करेगा, कामना करेगा, कौन हर्षित होगा, कौन तो है ही नहीं कोई वहां पर। वहां पर ना तो कोई हर्षित होने के लिए है, ना कुपित होने के लिए है। उसी अवस्था का नाम, अहम से अतीत अवस्था का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। और सुखदेव ऐसे परमहंस अवस्था के संत, ऋषि, तत्वद्रष्टा इस अवस्था को प्राप्त हैं। मत्वेति हेलेओ किंचित मा गृहान विमंचमा। इसको सोच लो, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं क्या, कि जहां पर अहम है वहां पर बंधन है, जहां पर अहम नहीं है वहां पर मुक्ति है।
बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं वो, सोच लो इसको ध्यान से, समझ लो कि अहम नहीं होना चाहिए। जब तक अहम रहेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं, जब तक अहम रहेगा तब तक भक्ति संभव नहीं। इसलिए कहते हैं इस अहम को क्षीण करने के लिए क्या करें, आगे उसको बता रहे हैं अष्टावक्र जी। इसको अच्छी तरीके से मत्वेति हेलयः, डू नॉट होल्ड ऑन टू एनीथिंग, डू नॉट रिजेक्ट एनीथिंग, ना किसी को पकड़ के रखो ना किसी का त्याग करो। अरे त्याग, त्याग की तो हम इतनी बातें कर रहे हैं महाराज बलि के प्रसंग में, उन्होंने सब कुछ सर्वस्व दान दे दिया, सब परित्याग कर दिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं ना किसी को पकड़े रखो ना किसी का त्याग करो। जब तक त्याग कर रहे हैं, जब तक दान दे रहे हैं, तब तक भी बंधन में है, तब तक भी अहम बना हुआ है। क्या मैं दान दे रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं, मैं तो बना हुआ है। जब तक वो मैं बना रहेगा, चाहे दान देने का, त्याग करने का, तप करने का, साधन का ही क्यों ना अहम हो, अहम तो बंधन ही है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं महाराज जनक को यहां पर, ना किसी को पकड़ो ना किसी का त्याग करो, तो अहम क्षीण होगा धीरे धीरे। अहम क्षीण करने के लिए उन्होंने ये सूत्र दे दिया। लेकिन महाभाग सुखदेव, परमहंस सुखदेव जन्मते ही इस अहम से निवृत्त हैं, अहम से निवृत्त हैं वो, उनमें किसी प्रकार का ग्रहण, किसी प्रकार का त्याग है ही नहीं। उनके जन्म के संबंध में अलग अलग कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, उनमें से कुछ प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा। पहले प्रसंग तो ऐसा आता है कि एक बार महर्षि व्यास देव को ऐसी कामना हुई कि मुझे एक उत्तम पुत्र की, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। कैसी संतान चाहते थे वो, कि पृथ्वी जल और वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली हो और तेजस्वी हो, तेजस्वी भी हो और धैर्यशाली भी हो। इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, वो चले गए सुमेरु पर्वत के शिखर पर। सुमेरु श्रृंग, सुमेरु पर्वत का जो शिखर है, वो महादेव, शिव और माता पार्वती के विहार की स्थली बताई जाती है। महादेव, शिव और पार्वती जी के विहार की स्थली पर जाकर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर उन्होंने तप किया। तप करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान प्राप्त किया, क्या, कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो पृथ्वी की तरह धैर्यशाली हो और अग्नि, जल और आकाश की तरह तेजवान हो। धैर्य और तेज से युक्त ऐसे पुत्र की कामना की, जिस कामना को भगवान शिव ने पूर्ण करने का वचन दिया, वरदान दे दिया कि ऐसी तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। अब यहां बात विचारने की यह है कि महर्षि व्यास देव तो खुद भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं महर्षि व्यास देव, और उनको तो तप करने की आवश्यकता नहीं थी ऐसे पुत्र की प्राप्ति की। जो ऋषि वेदों का संकलन कर सकता है संकल्प मात्र से, वो संकल्प मात्र से ऐसे पुत्र को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें संशय नहीं। तो अगर वो संकल्प मात्र से महर्षि व्यास देव ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकते थे सुखदेव सरीखा, तो फिर उन्होंने तपस्या क्यों की, फिर तप क्यों किया उन्होंने। इसके लिए यही बताया जाता है कि उन्होंने और लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, दूसरों की मार्ग प्रशस्ति के लिए, कि उत्तम संतान किस प्रकार पैदा की जा सकती है, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए क्या साधन है, यही मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तप किया। और कोई इसका कारण हमें नजर नहीं आता। सदाचार और ज्ञान
से उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान है, सदाचार है, तो संतान उत्तम होगी ही। और अगर सदाचार नहीं है, जीवन में ज्ञान भी नहीं है, तो फिर उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप किया और तब से उन्हें शुकदेव की प्राप्ति हुई। ऐसी बात नहीं कि केवल महर्षि व्यास देव ने ही औरों को मार्ग दिखाने के लिए, कर्म के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, तप के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, केवल और कोई कारण नहीं, केवल दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए तप का उन्होंने चयन किया, तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, कर्मों में लगा रहता हूं, कर्म करता रहता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, मैं कर्म करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो दूसरे लोग मेरा अनुसरण करके कर्म करना त्याग दें, और इस प्रकार क्या हो, पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाए। तीसरे अध्याय में ये बात कहते हैं भगवान अर्जुन को। तीसरे अध्याय का 23वां-24वां श्लोक, यदि हेयम नावर्तेयम जातु कर्म नतिन्द्रतः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सिदिये रिमे लोकाः ना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम अपन्याम इमाः प्रजाः। मैं प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊं अगर मैं उनको कर्म के मार्ग से च्युत कर दूं। और कर्म के मार्ग से कैसे हटा दूं मैं उनको, खुद कर्म ना करके। खुद कर्म नहीं करूंगा, लोग मेरा अनुसरण करेंगे, मेरा अनुसरण करके वो कर्म करना बंद कर देंगे, कर्म का परित्याग कर देंगे और अधोगति को प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से प्रजा अधोगति को प्राप्त होगी, सृष्टि अधोगति को प्राप्त होगी। तो कई बार महापुरुष हमने अपने जीवन में भी देखा है, कई ऐसे संत जिनको किसी भी प्रकार का कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा की, किसी और भी किसी भी प्रकार की उनको इच्छा कामना नहीं है, फिर भी दिन रात कर्म में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? केवल इसी कारण, कर्म के मार्ग को, सेवा के मार्ग को, कर्म योग को प्रशस्त करने के लिए, औरों को कर्म में लगाने के लिए। औरों को कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं वो? औरों को कर्म योग में इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि अभी वो तो सिद्ध नहीं है, बाकी सब वो सिद्ध हैं। एक संत महात्मा सिद्ध है, वो उसको कुछ करने के लिए नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा है, ना जो सोचती भी नहीं है, ना आकांक्षा करती है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं है और ना ही उसके लिए कोई करणीय कर्म है। लेकिन ऐसा संत, ऐसा महापुरुष, ऐसा गुरु निरंतर कर्म में संलग्न रहता है, कर्म योग में। क्यों? क्योंकि उसके जो शिष्य हैं, उसको जो देखने वाले हैं, उसको जो जानने मानने वाले हैं, वो उनको एक रोल मॉडल बन के कर्म योग में लगने का निर्देश देता है, अपने व्यवहार से निर्देश देता है, बोलने मात्र से नहीं। बोलने मात्र से उतनी ही बात बनती है। जब आप किसी व्यक्ति के चरित्र को देखते हैं, जब आप किसी एक उत्तम महापुरुष को दिन रात सेवा में संलग्न देखते हैं और ये भी जानते हैं कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा की, मान बढ़ाई की इसको कामना नहीं है, किसी प्रकार की भूख नहीं है इसे, फिर भी लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? सेवा के नाते। उस व्यक्ति, उस संत महापुरुष के लिए सेवा भी करनी नहीं है, वो ना भी करे तो भी ठीक, करे तो भी ठीक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महापुरुष को, एक सिद्ध संत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लगा रहता है। इसलिए ऐसी महान आत्माएं कर्म योग का रास्ता, सेवा का रास्ता दूसरों को दिखाकर उनकी आत्मशुद्धि के लिए, उनके आत्म उत्थान के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो कर्म में संलग्न होते हैं।
कर्म क्या अकर्म योग में ही संलग्न होते हैं। देखने वाले को लगता है कि ये दिन रात पता नहीं क्यों लगे रहते हैं, इनको क्या मिलेगा, चाहिए भी कुछ नहीं फिर भी दिन रात लगे रहते हैं पागलों की तरह। फिर कभी कभी तो लोगों को लगता है कि हाँ हो सकता है कि इनको भी अभी कोई इच्छाएं हो कि हम बड़े महात्मा बने, हमारा बड़ा आश्रम बने या हम और प्रसिद्ध हों, इसलिए ऐसा करते होंगे। लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हैं, जो उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए ना किसी प्रकार की अपेक्षा है, ना किसी प्रकार का ग्रहण है उनमें, ना किसी प्रकार का त्याग है और ना ही किसी प्रकार का कर्तव्य है उनके लिए। लेकिन लोक कल्याण की भावना से, जन कल्याण की भावना से वो कर्मों में, कर्मयोग में संलग्न रहते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं, भगवान कह रहे हैं। तो महर्षि व्यास देव ने भी इस वर्ण संकरता से बनने के लिए और कर्म के मार्ग को नष्ट भ्रष्ट ना करने के लिए ही तप किया, अन्यथा वो तो केवल अपने संकल्प मात्र से एक नहीं हजारों शुकदेव जैसे शिष्य, शुकदेव जैसे पुत्र प्राप्त कर सकते थे, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्राप्ति कैसे हुई शुकदेव महाराज की, इसकी भी कथा है। अभी तो केवल महादेव शिव ने वरदान दिया, महर्षि व्यासदेव ने तप किया और महादेव शिव ने वरदान दे दिया कि हाँ तुम्हें जैसा हाँ इच्छित है वैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और पुत्र कैसे प्राप्त होता है, एक बार वो अग्नि मंथन कर रहे थे महर्षि व्यासदेव। अग्नि मंथन यज्ञ के लिए अग्नि को प्रकट करने का जो एक विधान है उसे अग्नि मंथन कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की काष्ठ रहती हैं और उनको जब आपस में रगड़ा जाए अग्नि को, तो उससे फिर अग्नि प्रकट की जाती है और उसी अग्नि से फिर यज्ञ यज्ञ आदि का हम अनुष्ठान आरंभ करते हैं। आजकल की तरह नहीं कि माचिस या ये लाइटर से अग्नि प्रज्वलित कर दी, नहीं ऐसा नहीं था, उसका एक विधान रहता है पूरा। उस विधान से वेद के मंत्रोच्चारण के साथ साथ अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था, अब भी किया जाता है, हर जगह तो नहीं, आज भी ऐसे पंडित जन हैं, ऐसे महाभाग तत्वद्रष्टा ऋषि हैं जो केवल और केवल मंत्रोच्चारण से अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा है ये बात, केवल मंत्र की शक्ति से वो अग्नि देव को प्रकट कर सकते हैं, फूलों को। अग्नि मंथन तो चलिए फिर भी उसकी कोई हाँ आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, उससे फिर गर्मी होती है और उस ऊष्मा से, उस गर्मी से फिर जो काष्ठ है वो पकड़ लेती है आग और अग्नि प्रकट हो जाती है, वो तो एक बात। लेकिन हमने देखा है ऐसे संत, ऐसे पंडित, ऐसे वेदज्ञ हैं जो मंत्रों की शक्ति से फूलों को, सूखे फूल नहीं, ये जो फ्रेश फ्लावर्स रहते हैं, इनको फूलों को, गीले फूलों को आपस में रगड़ेंगे क्या, ऐसे धीरे धीरे से, और फिर करते 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 मंत्रोच्चारण से, मंत्र शक्ति से अग्नि देव प्रकट हो जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो महर्षि व्यास देव एक बार अग्नि मंथन कर रहे थे। अब अग्नि मंथन जब कर रहे थे तो वहां पर धृताची नाम की अप्सरा वहां उपस्थित हो गई। अप्सराएं आती रहती थी पहले महर्षियों को, ऋषियों को हाँ अपने मार्ग से च्युत करने के लिए, मार्ग से हटाने के लिए, और महर्षि ब्रह्म ऋषि तपस्वी राज ऋषि अपने मार्ग से नहीं विचलित होते थे, अपने तप में, अपने कार्य में संलग्न रहते थे। तो यहाँ पर भी घृताची नाम की अप्सरा आई और संयोग से महर्षि व्यास देव का जो वीर्य था वो अग्नि में गिर गया, वीर्य स्खलित हुआ और अग्नि में, जिससे कि वो अग्नि प्रकट करना चाह रहे थे उसमें
उनका वीर्य गिर गया और उसी से शुकदेव का जन्म हुआ, अरनी से शुकदेव का जन्म हुआ। इससे क्या अर्थ लिया जाए? क्या यही कि ये बालक महान? क्या मांगा था व्यासदेव ने? यही मांगा था कि अग्नि के समान मेरा पुत्र तेजस्वी हो और पृथ्वी जैसा धैर्यवान हो, आकाश जैसा वो सर्वत्र व्याप्त हो, उसकी चेतना सर्वत्र व्याप्त हो, अग्नि जैसा देदीप्यमान हो, धरती जैसा उसमें धैर्य हो, और अरणि जो थी उसने वो धैर्य का काम किया, धैर्य दिया इस जीवात्मा को, पुण्यात्मा को, और अग्नि में जो ऊष्मता थी, जो अग्नि थी, उसने तेज दिया, ऐसा समझ लें। और भगवान व्यासदेव वहां पर प्रकट हुए। प्रकट होते ही उनकी जो अवस्था थी वो 12 वर्ष के बालक की थी, 12 वर्ष के बालक की। ये ऐसा नहीं छोटे शिशु की तरह वो उत्पन्न नहीं हुए, एक 12 वर्ष के बालक की तरह उनकी अवस्था थी। और उनके शरीर से अग्नि की भांति निर्मल ज्योति फैल रही थी, तेजवान थे, परम तेजवान थे। महर्षि व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए थे तो तेजवान तो होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। और उनका वो तेज जहां पर वो थे सर्वत्र फैल रहा था उनके इर्द गिर्द। अब बालक उत्पन्न हुआ है, चाहे 12 वर्ष की अवस्था का ही क्यों ना हो, अब सब प्रकार के संस्कार करने हैं उनके। तो सर्वप्रथम गंगा जी आती हैं, स्त्री का रूप धारण करके गंगा जी आती हैं और उनको स्नान कराती हैं। इसका क्या अर्थ है? कि शुकदेव गंगा जी की भांति पवित्र हैं, गंगा जी की भांति पवित्र हैं। गंगा जी ने खुद उनको स्वयं वहां आकर उपस्थित होकर, स्त्री के रूप में उपस्थित होकर उनको स्नान कराया। फिर आकाश से काला मृग चर्म और दंड आया। आकाश से काला मृग चर्म आता है, आकाश ही उनके वस्त्र हैं। कई जगह तो ये बताया जाता है कि शुकदेव किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते, एकदम अवधूत अवस्था में, परमहंस अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर यह बता दिया गया कि आकाश से मृग चर्म आया और उस मृग चर्म को उन्होंने धारण किया, जो कि एक ब्रह्मचारी के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ एक दंड भी आया आकाश से। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। यहाँ पर एक बात अब मैं आपको बता दूं, अब ये बात आई गई, कई लोग संशय करते हैं ये गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर ये होते हैं कि नहीं होते, किसने देखे किसने नहीं देखे, अगर हैं तो फिर मुझे क्यों दिखाई नहीं देते। ऐसा संशय हो जाता है कि अगर ये विद्याधर गंधर्व उपस्थित हैं तो फिर हमें कभी क्यों दिखाई नहीं देते। इसके लिए मैं आपको केवल इतनी बात बता सकता हूं कि अगर आपका आस्था नहीं है किसी भी श्रोता की, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी आस्था नहीं है, परंतु अगर आपकी आस्था नहीं है अभी कि ये सब अलग अलग योनियां उपस्थित हैं, गंधर्वों की, चारणों की, विद्याधरों की, तो उसके लिए आप फिर थोड़ा सा साइंस का सहारा ले लीजिए, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लीजिए। हो सकता है साइंस में जो कहा है उससे आपके मन को थोड़ा संबल मिले इस बात को मानने के लिए। और क्या पढ़ें फिजिक्स में? स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ लीजिए। स्ट्रिंग थ्योरी में बताया गया है कि 11 डायमेंशंस हैं, 11 आयाम हैं, और वो 11 आयाम कौन से हैं, कैसे हैं, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कोई संत महात्मा एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर उपस्थित हो जाता है। एक ही संत महात्मा दो जगह पर उपस्थित हो सकता है एक ही समय, सिद्ध महापुरुषों की बात कर रहे हैं। हमने सुना है, देखा है इन बातों को, इसलिए आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि एक ही संत महात्मा कई बार दो क्या तीन तीन अलग जगह पर वो उपस्थित हो जाते हैं, इसमें संशय की बात नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी भी अभी यही बात कह रही है।
स्ट्रिंग थ्योरी में, जहां पर 11 आयाम बताए जाते हैं, 11 डायमेंशंस बताई जाती हैं, पैरेलल यूनिवर्स की बातें की जाती हैं, अनगिनत ब्रह्मांड की बात की जाती है जहां पर होती है, और अनेकों ब्रह्मांडों का अलग अलग आयामों में एक ही जगह पर उपस्थित होना संभव है, उपस्थित हैं। लेकिन हम जैसे क्षुद्र जीव जो कि 3 आयामों में या 4 आयामों में, 3 या 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती, जाती ही नहीं, नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि चौथे आयाम से अगला भी कोई आयाम है, हमारे ये मन बुद्धि से परे की बात है, उसको हम नहीं देख पाएंगे, उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। तप से, साधन से, योग से ये संभव है, अवश्य संभव है। तो ये गंधर्व चारण विद्याधर हैं, इसमें कोई संशय नहीं, उपस्थित हुए यहां पर शुकदेव के प्राकट्य पर, उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्प वर्षा की, गान किया, वाद्य बजाए, संगीत वाद्य बजाए, और करते करते उन्होंने शुकदेव महाभाग की भांति भांति से सेवा की, एक प्रकार से उत्सव मनाया उनके प्राकट्य का। अब जब ये सब हो गया, उसके बाद शुकदेव ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या करने लगे, उनकी प्रवृत्ति धर्म में नहीं थी, अर्थ में भी नहीं थी, काम में भी नहीं थी, केवल मोक्ष में थी, केवल और केवल मोक्ष में प्रवृत्ति थी। क्यों केवल मोक्ष में प्रवृत्ति थी? अरे भाई, वो तो जन्मते ही मुक्त थे, धर्म अर्थ काम की आवश्यकता उसके लिए हो सकती है जो मोक्ष तक पहुंचना चाहे, जो पहले से ही मुक्त है उसको धर्म अर्थ काम में कैसे रुचि हो सकती है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि एक मुक्त व्यक्ति की रुचि धर्म अर्थ या काम में हो। और शुकदेव सरीखे परमहंस अवस्था को प्राप्त संत, उनकी रुचि तो केवल और केवल मुक्ति में ही है, क्योंकि वो मुक्त हैं, ऑलरेडी लिबरेटेड, जन्मते ही मुक्त हैं ये। अब जब ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे, तो मोक्ष का विचार करते करते उन्होंने अपने पिताजी से कुछ प्रश्न किए। पिताजी कौन? महर्षि व्यासदेव। क्या प्रश्न किए? कि मुझे आप मोक्ष का रहस्य बताएं, मोक्ष का मार्ग बताएं। फिर वही बात, जो व्यक्ति मुक्त है वो अपने पिता से मोक्ष के रहस्य के लिए प्रश्न क्यों करेगा? अपने लिए नहीं करेगा, किसके लिए करेगा? हम लोगों के लिए करेगा। तरुवर फल नहीं खादत, सरोवर पीरतना नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। इन मुक्त आत्माओं का, जीवन मुक्त आत्माओं का जब भी अवतरण होता है, वो लोक कल्याण के लिए ही होता है। उनको खुद तो मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्त हैं ही, धर्म अर्थ काम में उनकी रुचि हो ही नहीं सकती, तो करेंगे क्या? जो करेंगे लोक कल्याण जन कल्याण के लिए ही करेंगे, और लोक कल्याण जन कल्याण के लिए ही परमहंस महाराज शुकदेव अपने पिता महर्षि व्यासदेव से प्रश्न करते हैं कि मोक्ष का क्या साधन है, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। उसके उत्तर में महर्षि व्यासदेव बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं, आज मैं वो आपके सामने संक्षेप में रखूंगा और उसकी विस्तृत चर्चा कल की जाएगी। क्या कहते हैं? बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा दैवी संपत्तियों का आश्रय लो। धर्म, यम नियम, दैवी संपत्ति, ये शरीर पानी के बुलबुले के समान है, आज है और कल नहीं, कह नहीं सकते कब तक रहेगा। इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। शरीर आसक्ति के कारण हम प्रमादी हो जाते हैं
और प्रमादी होकर अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। नहीं भी भूलना चाहिए अपने कर्तव्य को, अपने मानव जीवन का क्या कर्तव्य है उसको ना भूलें। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छीज रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। हम नहीं कर रहे, लेकिन वो कालों का काल महाकाल, वो कालातीत, वो तो क्षण क्षण की गिनती कर रहा है। हमें तो टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास क्षण क्षण गिनने का। और जो जो समय निकलता जा रहा है, हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम कभी होगा ही नहीं। तो क्षण क्षण आयु छीज रही है, इसको हम याद रखें। जो क्षण निकल गया आयु का, वो तो निकल गया, वो तो मिलने वाला है नहीं। उसको तो हम, जो श्वास हमने ले लिया, उस श्वास को हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का सदा सर्वदा ध्यान रखें। व्यास देव बता रहे हैं अपने पुत्र सुखदेव को, तुम अपने शत्रुओं से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु सावधान हैं। शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ और भांति भांति के देवता, अलग अलग इंद्रियों में बैठे हुए अलग अलग देवता, यही हमारे एक प्रकार से शत्रु हैं। देवता सहायक भी हैं हमारे, देवता हमारे शत्रु भी हैं। इस पे भी कल चर्चा करेंगे। तुम्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं ये शत्रु, भांति भांति के देवता, काम क्रोध लोभ आदि विकार हमें नष्ट करने का मौका ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सावधान नहीं रहेंगे तो ये हमारा सत्यानाश कर ही देंगे। अभी अभी इस संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लो, संसार से अभी मुंह मोड़ लो। मोड़ेंगे इन फ्यूचर, ये होने के बाद, ये करने के बाद नहीं। अभी अभी, अभी अभी संसार से अपना मुंह मोड़ लो, अपने जीवन की गति उस ओर कर दो जहां इन शत्रुओं की पहुंच नहीं है। क्या करते हैं जब युद्ध करते हैं लोग? दो देशों का अगर युद्ध हो जाए तो क्या करते हैं? शत्रु जहां पर अटैक करे वहां खड़े रहते हैं? नहीं, जल्द से जल्द सेफ पोजीशन पे आने की कोशिश करते हैं लोग। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं या जो वास्तविक युद्ध होते हैं, क्या करते हैं? अटैक किया और जितनी जल्द से जल्द हो सके अपनी सेफ पोजीशन पर आ गए, जहां पर शत्रु अटैक नहीं कर सकते, जहां पर शत्रु आक्रमण ना कर सके, उस पोजीशन में आ जाते हैं। क्या हम उस पोजीशन पर हैं जहां पर ये काम क्रोध लोभ आदि शत्रु हम पर आक्रमण ना कर सकें? नहीं, हम तो इनसे घिर के बैठे हुए हैं और खुशी खुशी इन शत्रुओं से घिर के बैठे रहते हैं। शत्रुओं को मित्र मानकर इनसे घिर कर बैठे रहते हैं। खुद ही आ बैल मुझे मार, खुद ही हाँ शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं हम। लेकिन व्यास देव कह रहे हैं अपने पुत्र को, इन शत्रुओं की जहां पहुंच ना हो उस तरफ अपनी जीवन की गति को कर दो। तो कौन सी गति है जीवन की, कहां पर इन शत्रुओं की पहुंच नहीं है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय बहुत हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।